हेलो, आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट वर्सेस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या सिमिलरिटी होती है। मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट को इस तरह से दिखाते हैं। इसमें मैग्नेट होता है और उसके आसपास फील्ड उत्पन्न होती है। मैग्नेटिक सर्किट मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर उसमें उत्पन्न होती है। उसमें आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है और उसके कारण रोटर घूमता है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट इस तरह से दिखाते हैं। इसमें बैटरी होती है और रजिस्टर या लोड कनेक्ट किया जाता है। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो होता है एन पोल टू एस पोल, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो ड्यू टू MMF, फ्लक्स MMF के कारण फ्लो होता है। MMF यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो ड्यू टू EMF, करंट EMF के कारण फ्लो होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। रजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लक्स इज ऑपरेट बाय रिलक्टेंस, यानी कि फ्लक्स प्रसार होने पर उसका जो रजिस्टेंस होता है उसे रिलक्टेंस से दर्शाया जाता है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में रजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट इज ऑपरेट बाय रजिस्टेंस आर, यानी करंट पसार होने पर उसका जोर रेजिस्टेंस होता है उसे रेजिस्टेंस आर से दर्शाया जाता है। अब फ्लक्स का इक्वेशन है MMF अपॉन रिलक्टेंस, और इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए करंट का इक्वेशन है करंट इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस। मैग्नेटिक सर्किट में MMF का यूनिट एम्पियर टर्न, फ्लक्स का यूनिट वेबर और फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF का यूनिट वोल्ट्स, करंट का यूनिट एम्पियर, करंट डेंसिटी का यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। रिलक्टेंस आर इक्वल टू एल अपॉन म्यू ए, इसमें म्यू यानी परमियाबिलिटी। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस आर इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा ए, सिग्मा यानी कंडक्टिविटी को कहा जाता है। परमियाबिलिटी इक्वल टू वन अपॉन रिलेक्टिविटी होती है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी इक्वल टू वन अपॉन रजिस्टिविटी होती है। परमियंस इक्वल टू वन अपॉन रिलक्टेंस को कहा जाता है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस इक्वल टू वन अपॉन रेजिस्टेंस को कहा जाता है। तो ये थी मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बेसिक जानकारी। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।